नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार एकलव्य और आज हम जानेंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित DMZ के बारे में। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने DMZ यानी डीमिलिटराइज जोन में मुलाकात की है। DMZ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाले असैन्यकृत इलाका है। इसके दोनों ओर दोनों देशों की सेनाओं की भारी मौजूदगी रहती है। यह दोनों देशों के बीच बफर जोन के रूप में काम करने के लिए कोरियाई आर्मिस्टिस समझौते के प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया है। 1953 में कोरियाई युद्ध समाप्त होने के बाद उत्तर कोरिया, चीन और संयुक्त राष्ट्र के बीच समझौते होने के बाद इसका निर्माण हुआ था। यह 250 किलोमीटर लंबा है और लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा है। DMZ के भीतर भारी हथियारों पर प्रतिबंध है, गश्त की अनुमति है, लेकिन MDL को पार नहीं किया जा सकता है और दोनों तरफ से 1000 से अधिक लोगों को किसी भी समय क्षेत्र के अंदर अनुमति नहीं दी जाती है। यह खादानों से भी घिरा हुआ है। DMZ के दोनों तरफ भारी सैन्य जमावड़ा रहता है। इस इलाके में न सिर्फ कंटीली तारें लगी हैं बल्कि वहाँ बहुत सी बारूदी सुरंगें भी बिछाई गई हैं। निगरानी के लिए बहुत सारे कैमरे भी लगे हैं और 24 घंटे दोनों तरफ सेना के टैंक भी तैनात रहते हैं। इसके अंदर एक संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र है जिसे पनमुनजोम भी कहा जाता है, जो कि एक गांव है। हर साल हजारों लोग इस क्षेत्र का दौरा करने आते हैं। यही एकमात्र जगह है जहाँ दोनों देशों के सैनिक कुछ ही फीट की दूरी पर आमने सामने खड़े होते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को संयुक्त राष्ट्र प्रशासित सम्मेलन कक्ष के माध्यम से उत्तर कोरिया क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर कदम रखने का मौका भी मिलता है। 2017 में 1,05,000 से अधिक पर्यटकों ने JS का दौरा किया था, जबकि लगभग 30,000 उत्तर कोरिया से थे। इसके केंद्र में सैन्य सीमांकन रेखा है जहाँ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौते के तहत दोनों पक्ष 2,000 मीटर तक अपनी सेना वापस खींचने पर सहमत हुए हैं। 1976 में स्पष्ट दृश्य देखने के लिए चिनार का पेड़ काट रहे दो अमरीकी सैनिकों की उत्तर कोरियाई सैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति ने एक बार दक्षिण कोरिया के दौरे पर कहा था कि DMZ धरती पर सबसे खतरनाक जगह है। 2002 में उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए George W. Bush ने इसे बुराई की धुरी कहा था। DMZ पर दोनों देश बड़े बड़े लाउड स्पीकरों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार करते रहे हैं, लेकिन पिछले साल दोनों देश इसे बंद करने पर सहमत हुए हैं। यह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से 60 किलोमीटर दूर और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से 210 किलोमीटर दूर है।